बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे पाकिस्तानियों के कौमी मसले जिगर और मसाने की गर्मी के ऊपर। फलाना नुस्खा इस्तेमाल करें तो आप लोग का जिगर की गर्मी दूर हो जाएगी, और अगर ये रेमेडी इस्तेमाल करें तो आपके मसाने की गर्मी ठीक हो जाएगी। पाकिस्तानियों को यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफार्मों के ऊपर ये मंजन बेचकर जो है लूटा जा रहा है और उनके गुर्दों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस हवाले से आगाही के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की है। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को आगाह करना है। मेरा पैगाम है कि आप लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि जो लोग जिगर और मसाने की गर्मी के मसले के अंदर मुब्तला हैं, वो ये समझते हैं इसका कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है मेडिसिन के साथ। मसाने और जिगर की गर्मी दरअसल होता ये है कि वो लोग जो जिगर और मसाने की गर्मी की जो शिकायत कर रहे होते हैं, असल में उसके पीछे की जो बीमारी होती है, उसकी जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहे होते हैं कि मेरे जिगर में और मसाने में गर्मी है, मुझे पेशाब जला हुआ आ रहा है, पेशाब जल कर आता है, पेशाब पीला आता है बहुत ज़्यादा, या फिर मुझे रुक रुक कर पेशाब आता है, पेशाब आने में तकलीफ़ होती है, जलन होती है, सड़न होती है, तो वो एक पीछे इसके जो बीमारी होती है उसके बारे में आपको बताना चाह रहे होते हैं। देखें, जिगर और मसाने में गर्मी जो लोग समझते हैं, असल में क्या होता है कि अगर मसाने के अंदर कोई इन्फेक्शन है, मसाने के अंदर हमारे कोई सोजिश है, इन्फेक्शन है, कोई ख़राबी है, कोई प्रोस्टेट का मसला है, मर्दाना गदूद का कोई इशू है, तो उस वजह से आपके मसाने में कोई सोजिश हो सकती है, कोई गर्मी हो सकती है, या फिर दूसरी तरफ अगर आपके जिगर के अंदर कोई खुदा न खास्ता लीवर सिरोसिस का इशू है, आपको कोई हेपेटाइटिस का इशू है, या इसके अलावा कोई और जिगर की बीमारी है, तो जिसकी वजह से जिगर काम नहीं कर रहा, जिगर जो है वो फेल हो चुका है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको जिगर की गर्मी है, जो क्योंकि जिगर आपका सही तौर पर काम नहीं कर रहा। कि अगर आपको या आपके किसी प्यारे को ये इशू होता है, वो आपको कहता है कि यार मेरे जिगर में या मसाने में गर्मी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, बजाय ये कि वो आए YouTube के ऊपर देखे, सर्च करे और कोई रेमेडी बनाए और अपने गुर्दों को ख़राब कर ले, बजाय उसको चाहिए कि वो अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास जाए, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, ताकि उसका प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए और वो हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात हासिल कर सके। ये आप अपने और अपने प्यारों के ऊपर एहसान करें, उनको बतलाएं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं अगर आपको पेशाब के अंदर कोई मसला आ रहा है या कोई भी आपको इस तरह का इशू है, जिगर में आपको महसूस हो रहा है, अगर आपके यानी ये जिगर वाले हिस्से के अंदर दर्द रहता है या आपको जलन गर्मी महसूस होती है, तो आपको चाहिए कि आप किसी प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन डॉक्टर को दिखाएँ ताकि वो आपके डायग्नोस कर सके इस बीमारी को। देखिए, जब तक कि बीमारी का हमें डायग्नोस नहीं करेगा कोई, बीमारी की में जो है वो तशखीस नहीं होगी, तो फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉपर इसके जो है इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं। जब तक हम इन्वेस्टिगेशंस नहीं करेंगे तो हमें बीमारी का नहीं पता चलेगा, बीमारी का नहीं पता चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें।